केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर का बड़ा बयान, कहा बाबर का कोई वंशज नहीं, प्रभु राम ही सबके आराध्य। यूपी के कानपुर शहर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने अयोध्या मामले को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दे डाला। सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इतिहास के दोनों पक्षों से यह दिन महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसके एक पक्ष को देखते हैं तो कुछ लोग दूसरे। लोगों में आज आक्रोश भी है। इतने साल हो गए, न कोर्ट ने निर्णय दिया और न किसी सरकार ने इस मामले को सही ढंग से सुलझाने की कोशिश की। कई सरकारें अड़चन लगाती रहीं। राजनीतिक दलों की वोट की छद्म धर्म निरपेक्षता की राजनीति के कारण उसमें एक बार नहीं कई बार अड़चने आईं। सबसे बड़ा बाधक है भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में छद्म धर्म निरपेक्षता की राजनीति। क्या ये सही नहीं है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो? देश का बंटवारा नहीं हुआ, जिन्ना ने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने साथ मिलकर पूरी योजना के तहत ऐसा किया। एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ भारत के टुकड़े करने की साजिश चल रही थी। इस बुरी राजनीति ने भारत को तोड़ने का काम किया। देश का टुकड़ा हुआ है धर्म के आधार पर। भारत की अच्छी संस्कृति का फायदा लोगों ने उठाया है। मुगल काल के पहले भारत के वेद में जाति नहीं वर्ण का वर्णन है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने देश को और खंडित किया। नेहरू ने इसे तार तार किया। आज करपात्री जी महाराज हैं नहीं, उन्होंने विसंगतियों को लेकर कई बार विरोध किया। हम खड़े हुए जाति के नाम पर और मुस्लिम खड़े हुए धर्म के नाम पर। हिंदुओं में जाति की और मुस्लिमों में मुसलमान की राजनीति बुरी पार्टियों ने की। नेहरू ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया था। सारे राजनीतिक दल जातियों के बहाव में बहते चले गए। आज हमारी पहचान हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, हमारा बंटवारा जाति के आधार पर हो गया है। जहाँ जहाँ हिंदुओं की आजादी गिरती है वहाँ सामाजिक समरता टूटती जा रही है। कुछ मुस्लिम भाई त्रेट भी कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि मंदिर बनाए, क्योंकि आज मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूँ। मेरे भाई का वंशज और मेरा वंशज, हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। बाबर का कोई वंशज नहीं है, प्रभु राम ही सबके आराध्य हैं। सब मिलकर देश को एकजुट करें।